चलिए बात लोहारू की भी करेंगे। लोहारू को 1,30,00,000 रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सिंघानी गांव में परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही 1953 में शहीद हुए 23 शहीदों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक का भी लोकार्पण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के लिए हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है, जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ एक बड़ी मांग दक्षिणी क्षेत्र की थी कि नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी हिसार से रेवाड़ी की हो। पिछले दिनों गडकरी जी के आगे हमने मांग रखी और केंद्र सरकार ने उसको मंजूरी भी दे दी और जल्द उसकी डीपीआर तैयार हो जाएगी कि हिसार से तो शाम बारडा, सतनाली, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जो हमारे अलग अलग एमडीआर स्टेट हाईवेज हैं उसको अब एनएच टेकअप करके नेशनल हाईवे बनाने का काम करें। हमने पूरी शक्ति कर रखी है और जहाँ भी हमें कोई कंप्लेंट मिलती है करप्शन की, सरकार उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेती है, चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डीटीपी और तहसीलदार हो, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन अधिकारीगण हो, चाहे यूपीएससी में हमारा जॉइंट सेक्रेटरी हो, तमाम कंप्लेंट्स के ऊपर सरकार ने मजबूती से एक्ट।